हे गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट यार्ड। मेरा नाम है अर्पित, मैं हूँ एक टीचर और यूट्यूबर। आज गाइस मैं आपके लेके आया हूँ एक मेगा कंपैरिजन बिटवीन पायलट का V5, पायलट का V7 एंड पायलट का V10। तो गाइस ये तीनों पेनों में हम आज कंपेयर करने वाले हैं कि कौन सा पेन बेस्ट है और आपको कौन सा लेना चाहिए। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो हम आज कंपेयर करने वाले हैं इन पेन्स को, इनकी बिल्ड क्वालिटी के लिए, ग्रिप के लिए, इनके कलर के लिए, इनके स्मच टेस्ट के लिए और लास्ट में मेरा फेवरेट वाटर प्रूफिंग के लिए गाइस, है ना। ओके, तो गाइस देखते हैं ये तीनों पेन कैसा परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले इनकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। जो V5 आपको यहाँ पे मिल जाता है गाइस, यहाँ पे जो V5 है ये आपको पड़ जाता है मार्केट में, इंडियन मार्केट में, फॉर 60 रुपीज़। अगेन जो हमारे पास V7 है यहाँ पे, V7 का प्राइस भी हमको पड़ जाता है गाइस 60 रुपीज़ में। और V10 जो हमारे पास, वो हमको पड़ जाता है फॉर 80 रुपीज़ गाइस इन इंडियन मार्केट, है ना। ओके, तो देखते हैं ऐसा क्या डिफरेंस है इन तीनों में गाइस। ओके, तो सबसे पहले कर लेते हैं इनकी अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे गाइस हमने V5 को निकाल लिया। V5 का एक लाइट ब्लू लुक है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लुक आता है इस पेन को पकड़ते। एकदम स्लिम सा पेन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं V5 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके पीछे आप इंक मॉनिटर कर सकते हैं कितनी क्या है, ठीक है। ये इसका टॉप है, टॉप कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो एक स्लिम सा लुक है, इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ गाइस आपको। ये इसका टॉप टू बॉटम एक शॉट देखो भाई कुछ इस टाइप का गाइस ये दिखता है, ठीक है। इसकी नेब है, बहुत ही ज़्यादा क्लीन लुक दिया गया है कंपनी के द्वारा। एकदम सिंपल सा क्लीन लुक है ना, स्टडी फील करता है, हाथ में से कोई ऐसा कोई क्लम्जी पार्ट्स नहीं, एकदम सॉलिड बना हुआ है, ठीक है, गुड। खोल लेते हैं V7 को, उसको रखते हैं साइड में। ओके, ये आ गया V7 गाइस हमारे पास। V7 अगेन गाइस, इन दोनों का जो बिल्ड है एग्जैक्टली सेम है, डिक्टो कॉपी है, 100% सेम बिल्ड है। डिफरेंस कहाँ आता है देखो, दिखाता हूँ मैं आपको। डिफरेंस बस इनकी ब्रांडिंग में आ रहा है गाइस। यहाँ पे V7 लिखा हुआ है, यहाँ पे V5 लिखा हुआ था। उसका जो लुक है ये बस थोड़ा सा डार्क लुक है। तो बिल्ड क्वालिटी और बॉडी में देयर इज़ नो चेंज इन V5 एंड V7 एक्सेप्ट फॉर द डिज़ाइन एंड पेंट स्कीम, है ना। ये डिफरेंस है गाइस दोनों में। ओके, और एक और जो मेन सबसे बड़ा डिफरेंस है गाइस, वो है इनके पॉइंट्स में। इनकी इंक टेक्नोलॉजी भी सेम है, इंक भी सेम डलती है इनमें, है ना। बस इनके पॉइंट्स अलग अलग हैं। जो V5 है उसका जो निब है वो 0.5 का है, जो V7 है गाइस उसका निब, अगर आप यहाँ पर देख पाएँ तो देखो, यहाँ पर ये वाला V7 है डार्क ब्लू और लाइट ब्लू V5 है, ये देखो, देख पा रहे हो, है ना, बहुत बारीक है। ये थोड़ा मोटा है हल्का सा, ये थोड़ा सा पतला है गाइस, यही डिफरेंस है दोनों में बस। ओके, तो हम वापस आ जाते हैं। ये तो हो गया V5 और V7 की बात, अब हम देख लेते हैं गाइस V10 कैसा है। ओके, इनको रखते हैं साइड में। ओके, तो V10 है डेफिनेटली सबसे महंगा पेन है, तो गाइस वो दिखता भी है यहाँ पे, है ना। बिल्ड क्वालिटी जो वो एकदम तगड़ा सा पेन लग रहा है, तो खोल के देखते हैं कैसा क्या है भाई। ओके गाइस, तो इसमें कुछ कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको तीनों पैर की। जो कॉमन है, यूनिक 3 डिम्पल टिप टेक्नोलॉजी आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो V10 है स्पेसिफिकली, इसमें ये डिम्पल रबर कुछ है जिससे आपको ग्रिप पकड़ने में आसानी होती है। और जो इंक है वो लिक्विड फ्लो है, प्योर लिक्विड इंक, जिससे आपको लिखने में स्मूथनेस बहुत अच्छी मिलेगी। पेटेंटेड ATT टू इंश्योर इंस्टेंट स्टार्ट एवरी टाइम। ओके, तो दिस इज़ समथिंग न्यू। ये इनकी कुछ पार्कर की नॉट सॉरी नो पाकर पायलट की गाइस एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ ATT। व्हाट इज़ दिस ATT सिस्टम, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। व्हाट इज़ दिस ATT स्टैंड फॉर, टू इंश्योर इंस्टेंट स्टार्ट, तुरंत स्टार्ट होता है ऐसा। फिर जैसे अपन को कई बार होता है ना अटक जाता है पेन, ये वैसा इसमें नहीं होता है। आप लिखना चालू करोगे तो वहीं से लिखेगा, ठीक है। मेरे साथ एग्जाम में बहुत होता था, मैं ऐसा बॉल पे से लिखता था, तो वैसा लिखना चालू करो तो दो एक अल्फाबेट तो आधा का चला ही जाता था, ठीक है। तो एक बार मुझे याद है, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा था, तो मेरे को 16x² लिखना था, तो गलती से 16 का वो बन ही नहीं पाया, अकेला 0 बन गया, तो 10x करोगे मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। तो मुझे ये बात अभी तक याद है यार, मैं 10th में था जब, तो ये चीज़ इसमें नहीं होगी आपके साथ गाइज। ओके, तो आगे बढ़ते हैं गाइज, ठीक है। प्लेन में अगर आप जा रहे हो तो इसको गाइज ऐसे रखो, ठीक है, इससे लीकिंग नहीं होगी। तो आप कई बच्चे बोलने लगे, अरे तो कैसे लीक करेगा, नहीं गाइज समझो, जब आप प्लेन में बैठे होते हो तो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा जी फोर्स लग रहा होता है, नॉर्मल जो ग्रेविटी लग रही है ना, जो 9.8 m/s² या 10 m/s² होती है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई वाला वीडियो लग रहा है गाइज, जब मैं टीचर हूँ तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो जो एक प्लेन होता है उसमें जी फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो उस केसेस में यहाँ पे एक पुल बढ़ जाता है इनके ऊपर, तो निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, नॉर्मल जी में ऐसा नहीं होगा। ओके गाइस, ओके, तो आगे बढ़ते हैं गाइस, फिर अपन इसको हटाते हैं। हटो भाई, निकल निकल, अरे भाई निकल ही नहीं रहा।
हाँ निकल गया। ओके गाइस, ओह माय गॉड, इसको पकड़ते ही बहुत ही रिच फीलिंग आ रही है, मतलब अमीर अमीर फीलिंग आ रही है, अमीर। ठीक है गाइस, ओके। तो ऊपर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखो, ये देखो एक चमकीली सी डिज़ाइन दिख रही है आपको, दिख रही है टोपी चमक रही है इसकी। और ये देखो गाइस, यहाँ पे V10 का लिखा हुआ है, V10 SH यहाँ लिखा हुआ है, देखो गाइस ये V10, आगे V10 ग्रिप है ना। तो गाइस इसका टोटल नाम, पूरा नाम V10 ग्रिप है। ओके गाइस, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, खोलते हैं। ओके, मस्त क्लिक साउंड है। ओके, यहाँ पे काफ़ी अच्छी डिज़ाइन दी हुई है। और हाँ, इसमें क्या है गाइस, एक पूरी रबर प्लेन है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे गड्ढे देखेंगे, तो अगर साउंड आता हो तो, है ना, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे एनग्रेविंग से दी हुई है, उससे पकड़ने में ग्रिप बढ़ जाएगी गाइस। जो टॉप पोर्शन है वो मुझे V5 और V7 जैसा ही लगा। यहाँ पे देखो गाइस, मैं कंपेयर कराता हूँ ना आपको तीनों को, ये देखो, ये तीनों पेन हमारे साइड बाय साइड है, ठीक है, V5 लेफ्ट से, सेंटर में V7 और फिर एकदम राइट में V10, ठीक है। ये देखो हाइट लगभग सिमिलर है, ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है। शेड का अंतर है, डार्क और लाइट, और निब का अंतर गाइस सबसे बड़ा, ये 0.5 mm की निब है, बीच वाले की 0.7 mm की है। और गाइस ये जो V10 आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसकी जो निब है गाइस, दैट इज ऑफ आई थिंक 10 mm है ना, ये मुझे श्योर नहीं हूँ, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, बट उसके साइज़ को देख के लग रहा है कि डेफिनेटली 10 mm की होगी गाइस ना। ओके, तो उसके पैकेट पे देखते हैं हम गाइस, इसका कितने mm का निब है। हाँ गाइस, ओके, तो गाइस 10 mm नहीं, सॉरी 1 mm की, क्योंकि ये 0.5 0.7 उसके बाद इसकी गाइस है 1 mm की निब हमको यहाँ पे दी गई है, नॉट 10 mm, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं गाइस, अब हम देखते हैं कि ये लिखने में तीनों पेन कैसा परफॉर्म करते हैं, लिखने में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो ओके, तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं हमारा V5, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ V5। ओके गाइस, V5 काफ़ी ज़्यादा एकदम ना एकदम बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड फील कर रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा एकदम स्ट्रोक बहुत ही एकदम सटीक है, एकदम पतला सा स्ट्रोक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, हेलो गाइस व्हाट्सअप, ठीक है। ओके, तो गाइस काफ़ी अच्छा लगा मुझे इससे लिख के पतला सा है पेन, डार्क शेड है इंक का, ठीक है। इंक तो गाइस लगभग आई थिंक V5 V7 और डेफिनेटली सेम है, V10 का देखना पड़ेगा। तो पतला सा शेड है, और मतलब डार्क शेड और पतला सा पॉइंट है, तो बढ़िया प्रसाइज लिख रहा है। तो अगर आप पतले पॉइंट के शौकीन हो तो डेफिनेटली एक अच्छा पेन है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब, अगर गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर दो चैनल को सब्सक्राइब, बहुत ही अच्छा चैनल है, आपके लिए बहुत सारा कंटेंट लेके आने वाला हूँ गाइस, यूनिक ऑन यूट्यूब, ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा और कहीं, ठीक है। ओके गाइस, तो ये हो गया V5 की टेस्टिंग, अब हम करते हैं V7 की टेस्टिंग। तो लिखते हैं गाइस V7। ओके, देखो लिखते से ही समझ में आ रहा है गाइस, मोटा है ये बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब V5 से मोटा है, 0.7 mm की जो उसका निब है वो समझ में आती है गाइस। यहाँ लिखता हूँ गाइस हेलो। ओके, काफ़ी मक्खन पैन है यार, मक्खन, हेलो गाइस, ठीक है, व्हाट्सअप, सब्सक्राइब गाइस, लाइक करो वीडियो को गाइस, लाइक करो, एम करते हैं गाइस इस वीडियो पे 250 लाइक्स, ठीक है, 250 लाइक्स आएंगे तो एक और मेगा कंपैरिजन में गाइस लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है, 250 लाइक कर दो। ओके, तो ये हमने देखा गाइस V7 जो है, V7 की क्वालिटी मुझे V5 से पर्सनली ज़्यादा बेटर लगी, बहुत ज़्यादा स्मूथ है लिखने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एकदम स्मूथ से चलता है। V5 वहाँ पे क्या था, V5 बहुत पतला था, तो अगर आपको इसको देखो, मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, अगर आपका बेसिकली बहुत ज़्यादा पास आप लिखते हो तो V7 मत लेना, क्योंकि ये मोटा हो जाएगा, ठीक है, फिर आप लो V5, ठीक है। लेकिन गाइज अगर आपकी राइटिंग है, मतलब जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हो, पास लिखते हो, देन गाइज V5 इज़ अ मच बेटर ऑप्शन, ठीक है। लेकिन वहीं पे आप अगर बहुत आराम आर से कर्सिव गोल गोल लेटर बना कैसे लिखते जाते हो और स्मूथ पेन चाहिए गाइज, देन V7 इज़ द अल्टीमेट ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी तो इन सब का फादर बचा हुआ है हमारे पास, दैट इज़ गाइज V10। अब मुझे नहीं पता कैसे लिखने वाला, देखते हैं। भाई साहब ऐसा लग रहा है ये तो यार, इतना क्या बोलूं, दिखने दो मैं, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ गाइस, ओ गाइस व्हाट्सअप यार, ऐसा लग रहा है इंक कैसे बहती यार, बहती रुकी नहीं, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंक फ्लो है यार, बहुत ज़्यादा इंक फ्लो है, इतना भी नहीं कि फैल जाए, पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड फ्लो है, पर बहुत ज़्यादा फ्लो है, बहुत ऐसा लग रहा है कि मतलब मक्खन में से चाकू नहीं जा रहा, गरम करके ऊपर चाकू, रेड हॉट नाइफ को अपने से मक्खन में से ऐसे कैसे स्ट्राक वैसा जा रहा है।
ठीक है, तो सब्सक्राइब यार बनता है, V10 के लिए सब्सक्राइब करो, V10 के लिए सब्सक्राइब। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये जो पेन है गाइस, तो आपको क्लियर डिफरेंस दिख रहा होगा, देखो ये V5 है, देन V7, देन V10, तो आपको 0.5, 0.7 और पॉइंट बेसिकली 1 mm में डिफरेंस यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये कुछ ऐसा डिफरेंस गाइस इसमें आता है। ठीक है, तो अब सवाल उठता है गाइस कि मेरा पर्सनल फेवरेट लिखने में कौन सा है गाइस, तो मेरे को इतना मोटा भी नहीं पसंद, मेरे को एकदम पतला भी नहीं पसंद गाइस, मैं जाऊँगा बीच में। मुझे V7 गाइस सबसे ज़्यादा पसंद आया है यहाँ पे, V7 की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और बिल्ड क्वालिटी तो तीनों की बहुत अच्छी है गाइस, पर लिखने का ही मेन डिफरेंस पॉइंट का था, और मुझे पर्सनली V7 बहुत पसंद आया। तो V5 किसको लेना चाहिए और V10 किसको लेना चाहिए गाइस? V5 उन लोगों को लेना चाहिए जिनको एक बहुत ही फाइन पेन पसंद है, देखो कितना फाइन आ रहा है। अगर आप बिल्कुल क्लीन लिखना चाहते हो, फाइन लाइंस आपको चाहिए, अगर आप स्केचिंग बिल्कुल फाइन लाइंस चाहिए, तो आप V5 लो। ठीक है, अगर आप नॉर्मल क्लासरूम में कॉपी नोट्स बनाना चाहते हो, देन V7 आप ले सकते हो गाइस। V10 मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा गाइस, क्योंकि बहुत मोटा है और आप बहुत ज़्यादा थिक पेन है गाइस, आपकी कॉपी अच्छी नहीं लगेगी, अपीलिंग नहीं लगेगी कॉपी। ठीक है, V10 फिर किसको लेना चाहिए गाइस? V10 यार वो लोग ले सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ राइटिंग चाहते हैं, है ना। जैसे मैं एक टीचर हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे जनरली कैसे कॉपी चेक करनी होती है फॉर एग्जांपल कुछ, तो मैं ये V10 जैसे पेन लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, रेड शेड में फॉर एग्जांपल, उसे चेक करना बहुत स्मूथ हो जाता है, और मैं जब बच्चों की कॉपी में कुछ करता हूँ तो मेरा लिखा हुआ अलग ही उनकी कॉपी में दिख जाता है, तो इट इज़ ईजी टू फाइंड इवन फॉर देम, क्योंकि लास्ट में जब वो देख रहे होते हैं कैसा क्या है, तो उनको पता होता है ओके ये इन्होंने करके दिया है, तो यहाँ पे इसको ऐसा करना होता है ना, तो मैं ऐसे थिक पेन यूज प्रेफर करता हूँ यूज़ करना ज़्यादा। ठीक है, बट नोट्स के लिए डेफिनेटली V7 यहाँ पे जो हमारे पास है, इसका ढक्कन लगा देते हैं पहले गाइस। ओके गाइस, अब कर लेते हैं इनका वाटर प्रूफिंग टेस्ट, हम देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करते हैं ये वाटर प्रूफिंग में गाइस, है ना, वाटर प्रूफ ये पेन है कि नहीं है, वाटर प्रूफिंग में कैसा परफॉर्म करेंगे, तो देखते हैं। मैं ये पेज निकाल लेता हूँ, ये पेज मैंने निकाल लिया, तो ये मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए पानी। ठीक है गाइस, इसमें देख सकते हैं आप, ये पानी है। ठीक है, अब इस पेज को मैं यहाँ पे डिप करने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर दूँ गाइस आप लोगों के लिए। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ये पेज है और उसको मैं करता हूँ फोल्ड और उसको मैं कर दूंगा डिप। ओके, तो आप ठीक है, ये लिया और उसको मैं कर देता हूँ गाइस यहाँ पे डिप, ऐसा डिप करता हूँ। ओके, तो जा चुका है अंदर, अब देखते हैं क्या हो रहा है गाइस यहाँ पे, तो मैं आपको अंदर दिखाता हूँ माहौल क्या है। ओके, तो आप देख सकते हैं गाइस क्या हाल हो गया है। ठीक है, कुछ इस टाइप का हाल है यार, थोड़ा हिला भी देते हैं इसको ऊपर नीचे। ओ माय गॉड। ठीक है, चलो गाइस इसको वापस यहाँ पे रखते हैं, भाई यहीं पर रह तू। ओके गाइस, तो ओके द टाइम फॉर ट्रूथ, ये निकले हमारे पेपर। ओके, तो आप देख सकते हैं कैसा क्या हो गया है यहाँ पे गाइस, पानी हटा देता हूँ, पानी में मुझे कुछ ब्लू दिख रहा है, तो डेफिनेटली इंक तो निकली है। ठीक है गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं क्या हुआ, ओह माय गॉड। यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, आपको कैमरा पास से ला के दिखाता हूँ गाइस, देखिए ये आप देख सकते हैं गाइस V5 V7 और V10, तो जो हिस्सा गीला है आप देख सकते हैं क्लियरली वो फैल गया है, और आई थिंक दोनों में तीनों में ही गाइस जो इंक है ना गाइस वो एग्जैक्टली सेम यूज़ करी गई है, इंक में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस है इनके पॉइंट्स में गाइस, है ना, और इंक की क्वांटिटी में शायद से होगा। ठीक है गाइस, तो ये V5 V7 V10 थे आपके लिए, तीनों ही पेन वाटर प्रूफ नहीं है गाइस। ओके, तो अब सवाल उठता है गाइस हमारे फाइनल वर्डिक्ट क्या, कि हमको ये कौन सा पेन लेना चाहिए, तो गाइस बहुत सिंपल है, मैं जो पेन प्रेफर करूँगा सबसे ज़्यादा गाइस आउट ऑफ V5 ठीक है V7 एंड V10, तो गाइस मेरा फेवरेट है V7 गाइस, क्यों, क्योंकि गाइस V7 का जो फॉन्ट है जिससे राइटिंग निकलती है वो परफेक्टली, मतलब क्या कहूँ, एक्यूरेट है, ना ज़्यादा पतली है V5 की तरह, ना ज़्यादा मोटी है, बहुत ज़्यादा मोटी V10 की तरह। ठीक है, तो मुझे पर्सनली गाइस ये वाला पेन बहुत ज़्यादा पसंद आया। ठीक है, तो किसको लेना चाहिए V5 और किसको लेना चाहिए V10 गाइस, तो समझिए, अगर आपको फाइन लाइंस बहुत पसंद है, अगर आपको बिल्कुल एकदम स्ट्रोक बारीक और परफेक्ट चाहिए गाइस, है ना, इंक का फ्लो तीनों में बेहतरीन है, बिल्ड क्वालिटी तीनों की बेहतरीन है, डेफिनेटली V10 की थोड़ी सी अलग है और थोड़ी ज़्यादा एलिगेंट लगता है V10, है ना, V5 और V7 थोड़ा सिमिलर साइज सिमिलर दिखते हैं, बस कलर स्कीम अलग है। तो गाइज
V7 जो है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप एक V7 लीजिए, और अगर आप बेसिकली बहुत फाइन लाइन चाहते हैं तो आप V5 ले सकते हैं गाइस, ठीक है। तो V10 की ज़रूरत कहाँ पड़ती है गाइस, तो मैं पर्सनली अगर देखूँ तो अगर मैं कहीं पे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा लिखना है, तो मैं V7 यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर मैं कभी किसी स्टूडेंट की बींग अ टीचर अगर कॉपी वगैरह चेक करता हूँ तो मैं V10 यूज़ करता हूँ गाइस, इसका जो रेड कलर वगैरह आता है। इसका रीज़न ये रहता है कि इसका पॉइंट इतना थिक है कि मैं कहीं भी जहाँ पर टिक करता हूँ तो पहली बात तो बहुत आलसी व्यक्ति हूँ मैं, ईजी लगता है मुझे थोड़ा सा टिक करना, ठीक है। और दूसरी बात, मैं जहाँ पर भी बच्चों को सॉल्व करके देता हूँ तो उनको पता होता है कि ओके यहाँ पर तो लेकिन ईजिली डिस्टिंग्विश कि मैंने क्या समझाया था ना, उनने क्या लिखा, क्योंकि इतना मोटा पॉइंट गाइस किसी पेन का, मैक्सिमम पेन का होता ही नहीं है जो बच्चे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियरली अलग दिख जाता है, तो ये मेरा एक सोल पर्पस है इसको यूज़ करने का, है ना। तो इसका जो विनर है तीनों कैटेगरीज का, अकॉर्डिंग टू मी तीनों ही बहुत अच्छे पेन है, तो विनर V7 रहा, रनर अप ये दोनों रहे गाइस। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि गाइस आप लोगों का फेवरेट पेन कौन सा है, V5, V7 या फिर V10, ठीक है। आपके क्या एक्सपीरियंस है इन तीनों पेन्स के साथ, है ना। साथ ही साथ आप गाइस हमको इंस्टाग्राम पे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे हम काफ़ी सारे पोल डालते रहते हैं कि गाइस अब आपको क्या कंपैरिजन करना चाहिए। तो काफ़ी सारे बच्चे हमको बताते हैं कि अब ये लेके आए, अब ये लेके आए, तो आप भी हम गाइस कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं और वहाँ पे हमसे काफ़ी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। तो मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए और एक बेटर कंपैरिजन गाइस, हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक में अवेलेबल है। नेक्स्ट कंपैरिजन हमारे पास गाइस यहाँ पे V5 है, वी सिग्नेचर करके पेन है पायलट का, पायलट स्टैंडर्ड पायलट, ये जो भाई लेजेंडरी पायलट है ये है हमारे पास, इन सब का कंपैरिजन हम एक और लेके आने वाले हैं फिर आपके लिए। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन को, आपको पता ही है मैं क्या बताऊँ यार, अच्छे होशियार बच्चे हो गए सब, है ना, उसको ऑल कर देना, तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको पता लग जाएगा गाइस, ठीक है। कुछ और बोलना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब कर देना।